7 minut dit winnen. Ja, het is Association of NCC Cadets. As it goes with the Indian culture, we begin every occasion with the name of God. So today also, we'll open this evening with the name of the Almighty and seek its blessings to make this evening a big success. Ane Bhavati Bharata Apisthanama Karmasya तदात्मानं सृजाम्यहं तदात्मानं सृजाम्यहं स्वधर्मं अपिचारेष नियामितं विधिर्मासि India. What is India? India is not just a piece of land bound by its geographical boundaries. It has evolved from many civilizations. It has an immense power of culture, youth, and tradition.
which has always inspired us to make a mark in the world. So goes our song, composed and written by Sri Uma Shankar Joshi. Thank you.
witness the eternal conflict of ideas which has given birth to number of heterogeneous ideologies like imperialism, democracy and communism. So now friends, let me make a room in time for the imperialists, democrats and communists to collide in the eternal theater of conflict. जयेश वाड़िया, नीरज पटेल, तारक शाह और द्विशा शुक्ला। आन प्रस्तुत इंद्रासन Indrasan
person. चलिए आज हम सब साथ मिलकर एक शाश्वत काल के एक प्रश्न का उत्तर खोजने का यत्न करें। इंद्रासन, निरंकुश सत्ता का केंद्र या फिर सृष्टि की स्वस्थता का गुरुत्व बिंदु, अगणित अपराधों का जन्मस्थान या समृद्धि, शक्ति और उन्नति का प्रेरणा स्रोत, सनातन काल से चलाया यह प्रश्न हर युग में अनुत्तर रहा। इस प्रश्न पर आधारित है हमारा यह नाटक इंद्रासन। तो चलिए चलते हैं हम मानव संस्कृति की उस बाल्य कथा पर जहां से इस प्रश्न का आरंभ हुआ। यह बात है देव, दानव और मानव के बीच के संघर्ष का। गुरुवर्य शुक्राचार्य की प्रेरणा से वृष परिवार ययाति इंद्र को हराने के लिए स्वर्ग को घेरा डाले खड़े हैं और आरंभ होता है सनातन सत्य का एक संघर्ष। कितने युगों के बाद आज हमारा विजय हुआ। मेरे पूर्वजों का स्वप्न
आज साकार हुआ। मैं तो जानता ही था कि मैं जीतने ही वाला हूँ। मानवराज, मानवराज देखिए तो सही, यह देव सभा का मंदिर कितना अद्भुत, कितना सुंदर। बोलिए इंदिरा सर, इंदिरा मेरी अभिलाषाओं का परम केंद्र इंदिरा सर अब हमारे हाथ में, और यह देखो वज्र, मेरे शस्त्र से जो महात हुआ है वह पाताल को कंपाने वाला यह भयंकर अस्त्र अब हमारा। बेचारा इंद्र, पर दिव्यानी अली गुरुवारी को साथ लेकर क्यों नहीं आए? देखो इंद्र, सुनो सुनो, उसके ही पैरों की आवाज सकती है। ऐसी चपल उत्साही और स्वस्थ ध्वनि किसी और के पैरों की नहीं हो सकती। आप उसके पैरों की ध्वनि अच्छी तरह से पहचानते हो। हमारी तो आज वो आधार, प्रेरणा और उद्धार है। आपकी तो वो पत्नी है, पर हम असुरों की तो वो देवी है। देवी और उनके पिता गुरुवर शुक्राचार्य की प्रेरणा से तो आज असुर सेना ये स्वर्ग जीत कर खड़ी है। स्वागत है, स्वागत है देवयानी। यह देवों का सभा हमारी नीलाधारी की श्रृंखला से शुरू होती है। वह था और इंद्रासन को तो देखो देवयानी। इंद्रासन अग्रणी अपराधों का जन्मस्थान है इंद्रासन। पर आचार्य कहाँ है? देव सभा में आने से उन्होंने इंकार किया है। क्यों? जितनी विशुद्ध अभी स्वर्गभूमि हुई नहीं है। इंद्र का पराजय अवश्य हुआ, पर इंद्रासन, इंद्रासन अभी नष्ट नहीं हुआ। पर अब क्या? अब हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? इसीलिए उन्होंने मेरे साथ आज्ञा भेजी। आज्ञा? क्या आज्ञा? क्या? इंद्रासन के टुकड़े टुकड़े कर वीरों में बांट, वज्र को तोड़ कर उसके टुकड़े भूमि में गाड़ दो, स्वर्ग मृत्यु और पाताल को एक कर दो, देव मानव और दानव को सवा सौ साचार्य आरंभ करना कहो। गुरुवर्य की आज्ञा सुनी? इंद्रासन के टुकड़े, देव दानव का साचार्य। राजन, इंद्रासन का मोह पीछा नहीं छोड़ता। देवयानी, देवयानी ये इंद्रासन मेरा है। राजन, ये इंद्रासन आपका नहीं, और आचार्य शुक्र तो इंद्रासन के वैरी है। उस पर बैठने वाले हर अत्साही से वो संग्राम करेंगे। आप भी संभल जाओ, उसकी ऊंचाई से चकरा जाओगे, उसकी आवाज से अंत और उसकी मोने से जुर्मी बन जाओगे। इस पर बैठोगे तो उतर ना पाओगे। पिताजी की आज्ञा का हेतु समझो राजन, नहीं तो आप भक्ति कराने भय प्रसारोगे, भय प्रसारने निराधारी प्रसारोगे। राजन, आज तक आप स्वातंत्र के लिए लड़े थे, अब सत्ता के लिए लड़ोगे। आप शक्तिवान बनोगे दूसरों की शक्ति को नष्ट करके, आप उद्धारक बनोगे दूसरों को दीन बनाकर, वज्र का संरक्षण देंगे निर्माल्य बने भक्तों के जीवन को निर्गत स्मशान करके। राजन, ऐसी निर्गति में तो मृत्यु की निश्चेतनता का भी गौरव नहीं है। देवयानी, आपके पिताजी की आज्ञा पोथी पंडित के दिमाग का तरंग है। मैंने जिंदगी बर्बाद कर दी इंद्रासन लेने में, अब उसके टुकड़े करूं? नहीं देवयानी, ये इंद्रासन मेरा है और मैं इस पर अवश्य बैठूंगा। तुम्हें मेरे साथ रहना हो तो चलो। नहीं यार, जगतों को बांधने वाली इस पाशग्रंथि का नाश कर सृष्टियों का सृजन करने वाले शुक्राचार्य की पुत्री उस पर नहीं बैठेगी। और आप भी संभल जाओ, इसकी ऊंचाई से चकरा जाओ, इसकी आवाज से अंत और इसकी मोने से जुल्मी बन जाओ। राजन, पिताजी की आज्ञा का अनादर मत करो। बहुत हो गया देवेंद्र। साफ कहो ना कि आपके पिताजी का कार्य खत्म हुआ, कि आपने तकरार शुरू कर दी। जब तक अभिमानी, आतताई और अधम कायर है, तब तक उनका
तुम्हारे कर्मों के फल तुम भुगतो, पर मैं यहाँ पल भर भी नहीं रुक सकता। क्यों? आप ही पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करते हो। अरे स्थिति तो बदली ही नहीं, अब याद इंद्रासन पर बैठकर नया इंद्र होगा और इंद्र पादल को गिरकर नया वृष पर्वत। अब शुक्राचार्य इंद्र को सहारा देकर इंद्र बने इस यादि का पराजय साथ में संग्राम खेलेंगे। यादि का पराजय? हाँ यादि, आचार्य शुक्र तो इंद्रासन के वैरी, उस पर बैठने वाले हर अस्थाई से वह संग्राम करेंगे। आप ही पिताजी की आज्ञा को उल्लंघन करते हो। माफ करे देविया, युगों की मेहनत के बाद जीता यह स्वर्ग मैं देवों के साथ बांटने तैयार नहीं हूँ। शुक्राचार्य को जाकर कहना देविया ने कि जो करना है वो कर ले, मेरे बहुबल से जीता है इंद्रासन मैंने। जो अब तक करते थे वही करेंगे, अभिमानी और कायर दोनों से ही। तुम्हारे कर्मों के फल तुम भुगतो और तुम्हारा यह वो इंद्रासन छोड़ेगा नहीं। इंद्रासन ययाति, अगर आप इंद्रासन लोगे तो हम असुरों को क्या मिलेगा? डरो नहीं, हम तुम सबका रक्षण करेंगे। हमें रक्षा नहीं, हमें हमारे पूर्वजों की भूमि चाहिए। देवों को पाताल भेज दो। और तुम अकेले ही अमरावती में रहना चाहते हो? अमरावती? अरे यह तो हमारी पुरातन जन्मभूमि है। पुष्परवा, भूमि उसकी जो से जीते, उसकी नहीं जो पचन में। तो क्या मैंने नहीं जीती? युगों का यह विग्रह हमने कहेगा और तुम जाओ। और त्रिभुवन विजेता यह अति ही सभी भुवनों का स्वामी बनेगा। अर्थात हमारे लिए तो एक इंद्र का स्थान यह दूसरा इंद्र ने ले लिया, इतना ही ना? जो इच्छा हो समझो। यदि मेरे जीते जी तुम्हें इंद्र नहीं बनने दूंगा। ठीक है, ये ले। कैसी त्रिभुवन नाथ की आज्ञा?
स्वच्छंद से सृष्टि का शासन करना, दर्जनी पर जीवन विधान करना, यह भाग्यवंत के भाग्य में ही होगा। मनु लीला पूर्वा पितु लोक से देखो और आनंद मनाओ। आपके कुर्सी की टीम आपके इस वंशज ने उज्जवल कर दी है। आपके सामने आपका दास बने पड़ा। इंद्र तेरा स्वर्ग का साम्राज्य तो गया, बोल अब क्या मांगता है? नहुष का यह पुत्र जितना शूरवीर है उतना उदार भी है। मानव राज हम हारे, मानव पुरुषार्थ देवों को भी परास्त कर सकता है यह मैंने आज जाना, पर गुजरे वक्त को भूलकर हम देव मानव संचार का प्रारंभ करें। क्या देव मानव संचार? इंद्र तेरे घर का कोई अर्थ नहीं है, सेवा करते करते जी निकल जाएगा। देव किसी की सेवा नहीं करेंगे। सेवा करना भी सीखना पड़ेगा। तुम हमारी सेवा करो, हम तुम्हारा संरक्षण करेंगे। हम किसी का संरक्षण नहीं आजते, हमें आत्मरक्षण के उपरांत कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। इंद्र मुझे क्रोधित करने की भूल न करो। इंद्र जयाति, इंद्र बनने से पहले ठीक से क्रोधित होना तो सीख लो। मूर्ख, इंद्रासन ऐसे ही नहीं मिलता। ठीक है, ये इंद्रासन मेरा है। वो आसन जो बैठता है उसका है। मूर्ख, अब ये वज्र भी मेरा है। पावन मानव, वो शस्त्र जो निर्भय हो उसका है। ठीक है, मैं क्या डरता हूं? ये ले। दोस्त अविचारी मानव, मैंने क्या कहा था, निर्भय को वज्र भेजता नहीं है। और तू क्या मानता है, हम कुछ से अथवा तेरे सैन्य से हारे? हम तो हारे थे परम युद्ध शुक्राचार्य की अड़प शक्ति और उनकी निर्भय स्वातंत्र साधना से। क्षमा 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 देवेंद्र, क्षमा क्षमा। तेरा स्थान इंद्रासन के पास नहीं है। मैं तो अरण्यों में घूमूंगी,
और वज्र से आहत हो अकेली मरूं, पर तुम्हारे इंद्र को नमन नहीं करूं। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। देवेंद्र, आप आए यह मैंने जाना, पर हजार रातों के बाद महाभारत और शुक्राचार्य आज निंद्रा दिन है। आपकी गर्जना यहाँ घबराहट नहीं फिर फैला सकती। बेटी, मैं तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को स्वर्ग ले जाने आया। दानव तो सभी नष्ट हुए और मानवों ने मेरी सेवा कर मानवों ने मेरी सेवा करना स्वीकार किया। अब तीनों भुवनों में मेरा सामना करने वाला कोई नहीं बचा है। तुम्हारी भूल हो रही है इंद्र। शुक्राचार्य, देवाधिपति इंद्र के प्रणाम स्वीकार। तुम्हारा इंद्रासन नष्ट हो और वज्र टूटे, यह आशीष तो तुम्हें स्वीकार्य नहीं। महर्षि, मैं आपको अमरावती आने को आमंत्रित करने के लिए आया। क्यों? त्रिभुवन में अब तेरा सामना करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मैं नहीं आऊंगा। जब तेरे इंद्रासन और वज्र के स्वामित्व का अभिमान जाएगा तब मैं तेरे साथ आऊंगा। आचार्य, आपने इंद्रासन को निरंकुश सत्ता का केंद्र समझा है, पर वह तो समृद्धि, शक्ति और उन्नति का प्रेरणा स्रोत है। आपने इंद्रासन को अनिष्ट का आरंभ समझा है, पर वह तो सत्य और रुद्र का दर्शन कराने वाला आप मंत्र दृष्टा है। और इंद्रासन उसका आचरण करवाता भय है। इसीलिए कहता हूं आपको, आप मेरे साथ अमरावती चलिए, जिद छोड़ दीजिए। दानव सारे नष्ट हुए और मानवों ने मेरी पूजा करना स्वीकार किया है। यर्थ यत्न क्यों? तुम्हारा इंद्रासन तुम्हें मति भ्रम कर रहा है इंद्र। चलो देवयानी, जगत विमोचन की यात्रा को चलो। पर जगत तो सभी मेरे हैं, इंद्र, जो आज आपके हैं वो कल आपके नहीं रहेंगे। आपने सब जीता, पर शुक्राचार्य और उसकी पुत्री आज भी अजय है। चलिए पिताश्री, हम खंड खंड में विप्रों का अग्नि प्रज्वलित करेंगे। जहां हमारे कदम पड़ेंगे वहां स्वातंत्र गर्जन के घोष होंगे। चलिए। सबको सत्कारते हुए मुझे आनंद की अनुभूति होती है। यह दूसरा सांस्कृतिक कार्यक्रम है मेरे कार्यकाल में। मुझे इस महाकार्य में साथ देने वाले हर साथी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आन के प्रमुख श्री डॉक्टर किकानी साहब को स्वागत प्रवचन के लिए आमंत्रित करता हूं। श्री कैप्टन उन्मेश भाई पंड्या साहब, आन के सेक्रेटरी श्री प्रणव ठाकर और सब पदाधिकारियों और माननीय मेहमानों को डायस पे आने के लिए आमंत्रित करता हूं। कैसा चलना है?
to welcome the guest. आज के हमारे गणमान्य अतिथि श्री जट शाह साहब नटू भाई कारिया डैश पर बैठे महानुभाव और आप हमारे पधारे हुए निमंत्रित महानुभाव, प्रजा स्वतंत्र दिन की पूर्व संध्या पर आप सबको आन की ओर से अभिवादन करता हूँ और हमारे स्वतंत्र दिन की शुभेच्छाएं पेश करता हूँ। आन जो संस्था हमने रची है एनसीसी के भूतपूर्व अधिकारी और कैडेटों के साथ मिलकर उनके तीन प्रमुख उद्देश्य हमने रखे थे, स्वदेश प्रीति, शौर्य और शिस्त। ये तीन हमारे उद्देश्य थे। एनसीसी के जो ध्येय है एकता और अनुशासन, उनको हम साथ लेके चले थे। मगर ये जो नई संस्था हमने रची उसमें हमने एक लक्ष्य रखा था कि शौर्य शिस्त और स्वदेश प्रीति के साथ हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, हमारे जो संस्कृति और संस्कार है, उसको भी हमारे कैडेटों में सिंचन करना। और इसलिए हमने आन में एक कल्चरल विंग, कल्चरल पांख भी हमने साथ रखी है। हमें आनंद है कि आज उस कल्चरल पार्क का द्वितीय वार्षिक उत्सव हो रहा है। इस बहाने जो हम आन के सभी सदस्य हैं उनसे मिलने का यह एक स्नेह सम्मेलन भी है, उसमें मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे जो स्वजन है वही हमने आज गेस्ट के रूप में रखे हैं। आप सब भी हमारे स्वजन है, मगर साथ साथ श्री जेठ शाह साहब, वो जब हमने आन संस्था शुरू की उस वक्त से हमें बड़ी हुक देते हुए यह संस्था को पांगरने में बहुत मदद की है। नटू भाई कारिया इस साल से हमारे स्वजन हुए हैं और उन्होंने भी हमें यह आश्वासन दिया है कि इस आन संस्था को चलाने के लिए जो भी कुछ मदद की जरूरत होगी हम देते रहेंगे। हमारी आन संस्था एक ऐसी संस्था है जिसमें हम कोई डोनेशन या कोई ऐसा कोई भी स्वीकार दान नहीं करते हैं। वो सिर्फ हम अपने पैर से, अपने स्वबल से चलाते हैं। तो आज आप सब आए हैं, आप सबका मैं अभिवादन करता हूँ। जो हमारे बच्चे हैं, हमारे इंस्ट्रक्टर हैं और हमारे कैडेट्स जो है, उन सब ने मिलकर यह आज का कार्यक्रम रचा है। इसमें कई कमियां होगी, त्रुटियां होगी, आप सब उनको क्षमा करके इस कार्यक्रम में आप उसका हौसला बढ़ाएंगे, ऐसा आप सबको विनती करके मैं मेरा आपका अभिवादन करके बैठता हूं। नाउ आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर किकानी टू प्रेजेंट अ मोमेंटम टू डॉक्टर सी जेट शाह। I'll request Dr. Kikani to present a momentum to Karya sir. Now I'd kindly request Dr.
Dr. C.Z. Shah to deliver a presidential lecture. Friends, it's not the time to deliver a lecture. I feel that we must be interested in seeing the cultural program of the cultural wing of AAN. And therefore, I give one slogan, honor and shame from no condition rise, act well to your part, there all the honor lies. Thank you. अब मैं माननीय नटू भाई कारिया साहब को दो शब्द बोलने के लिए आमंत्रित करूंगा। आन संस्थान द्वितीय वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम ना प्रमुख स्थाने बिराजेला माननीय डॉक्टर सीजर शाह साहब, डॉक्टर केकानी साहब, डायस पर बिराजेला अन्य महानुभाव आमंत्रित मेहमानों, आन संस्था द्वारा जे हेतु थी आ एक सुंदर कार्य शुरू करवामां आव्युं छे, सूरतना दरेके दरेक जागृत वालियों नागरिकों पूरा साथ सहकार थी आ कार्य ने आगळ धपाववा माटे मदद करे अने जे रीते आ कार्यनी शुरुआत थई छे एने वधु ने वधु सफलता अपावा माटेना प्रयत्न करिए एवी दरेके दरेक अहींया बेठेला आमंत्रितो साथेनी पासेनी एक अभ्यर्थना राखू छू अने अमे ए साथे विश्वास पण आपीए छीए के आ संस्था हजु वधु ने वधु फूले फाले अने जे संस्कारनो संस्कृतिनो अने शौर्यतानो वारसो अपना बालकोमां जळवाई रहे अने वधु ने वधु प्रज्वलित बनतो એવી આ પ્રવૃત્તિને આપણે બિરદાવતા રહીએ. આપ આ સંસ્થાએ આજે મને અહીંયા આજે રહી આપની સમક્ષ ઉપસ્થિત કરવાની જે તક આપી તે માટે આભાર માનું છું અને આપ સૌનો આભાર માની વિનમું છું. થેન્ક યુ. અબ આન કા સંક્ષિપ્ત ચિતા દેને કે લિયે મેં શ્રી કેપ્ટન ઉમેશભાઈ પંડ્યા કો નિમંત્રણ કરતા હું. इस सभाखंड में उपस्थित माँ भारती के लाडले संतानों, मुझे यहाँ पर आन का संक्षिप्त परिचय देने के लिए कहा गया है. आन का यह दूसरा वार्षिक कार्यक्रम है. जब आन की स्थापना हुई थी आज से 1 साल पहले, तब हम लोग पहले मिले थे. मुझे याद आ रहा है कि डॉक्टर सीजेड शाह साहब ने एक भी रुपया लिए बगैर जीवन भारती का हॉल रंग भवन हमको दिया था और हम हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम उस वक्त कर पाए थे. आज हम दोबारा मिल रहे हैं. कई लोग हैं जो पहले भी उस कार्यक्रम में उपस्थित रहे होंगे और आन के बारे में जानते होंगे, और कई लोग होंगे जो आज इस लंबी यात्रा में पहली बार हमारे साथ चलने के लिए आए हैं. मैं मेरा कर्तव्य समझता हूँ कि जिस भावना से, जिस अनुभूति से इस संस्था की स्थापना हुई थी उसके बारे में चंद बातें आपसे कहूँ. जब पिछली शताब्दी समाप्त हो रही थी उस वक्त कुछ मनोमंथन हो रहे थे और उन्हीं को साकार रूप देने के लिए हिंदुस्तान का जो पश्चिमी भूभाग है जहाँ पर हम बैठे हैं, उस जिंदगी के धबकार से धबकते हुए सूरत शहर में हाटकेश्वर महादेव के देवालय के प्रांगण में, उसकी वाड़ी में, खुले आसमान के नीचे कुछ लोग इकट्ठा हुए. शताब्दियों के संधि काल पर इकट्ठे हुए वो लोग कौन थे? कोई प्रोफेसर था तो कोई विद्यार्थी था,
कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट था तो कोई नमकीन की दुकान चलाने वाला, कोई फौजी अफसर तो कोई बेरोजगार, कोई कवि और लेखक था तो कोई मार्शल आर्ट्स का इंस्ट्रक्टर। पर कैसे आए थे उधर? कोई अपनी पैदल यात्रा करते हुए आए थे तो कोई मारुति स्टीम में, कोई साइकिल पर तो कोई मोटरसाइकिल पर। कौन थे वो लोग, क्या करने आए थे और कैसा कालखंड था वह? वो कालखंड था हिंदुस्तान के आगे खड़ी हुई सबसे भीषण चुनौतियों का। वह कालखंड था घनघोर अंधेरे का। मैं कोई और युग की बात नहीं कर रहा हूं, उसी युग की बात कर रहा हूं जिसमें हम और आप श्वास लेते हैं। आज से एक ही साल पहले, तकरीबन एक ही साल पहले जब आन की प्रथम सभा हुई उसी वक्त की बात कर रहा हूं। वो कालखंड था जब सेनापति से लेकर के सम्राट तक कोई सुरक्षित नहीं था, जब सरहदें गोलाबारी से गरजती रहती थी और सड़कों पर आतंकवादी हथियार लिए घूमते थे, मंदिरों मस्जिदों में संसद भवनों में थावा बोल देते थे, सर पर कफन बांधकर दो दृढ़ निश्चयी शत्रु हमारे घरों में घुसाते थे और हमारी हजारों की भीड़ बाग खड़ी होती थी। इतना आप कमजोर, इतना हेल्पलेस यह मुल्क पहले कभी नहीं लगता था। भ्रष्ट राजनेता, वृद्ध और अपंग राष्ट्र के अध्यक्ष, लाचार सेनापति, प्रजा की मोरल्स का बहुत बड़े पैमाने के ऊपर करप्शन इत्यादि से नष्ट होना, राजनेताओं के झुंड का ए मोरल होना, ग्लोबलाइजेशन के फिनोमिनन से बेरोजगारी का बढ़ना, अलग अलग किस्म के प्रॉब्लम से घिरा था वो कालखंड। और क्यों आए थे वो लोग वहां पर? उस कालखंड में, उस गमगीन अंधेरे में भी उनके दिमाग में आने वाले हिंदुस्तान के सूर्योदय का एक स्पष्ट चित्र था, इसलिए वो लोग वहां पर आए थे। अलग अलग सेक्शंस ऑफ लाइफ से आने वाले वो लोग एक ही ध्येय को साथ रख के आए थे कि इस गमगीन अंधेरे में से हिंदुस्तान को एक प्रचंड सत्ता बनाना है। उनके पास सिर्फ एक ही ध्येय था, टू मेक इंडिया अ फर्स्ट रेट मिलिट्री इकोनॉमिक एंड कल्चरल सुपर पावर। हिंदुस्तान को घिर के खड़ी चारों तरफ की सेनाओं से मुकाबला करने के लिए हिंदुस्तान को तैयार करना, हिंदुस्तान के जन जन को प्रतिकार सिखाना, हिंदुस्तान के जन जन के अंदर विद्रोह का अग्नि प्रज्वलित करना और शत्रु के सामने उनको हथियार हाथ में लेकर खड़ा कर देना। दिस वॉज द इंटेंशन ऑफ द स्मॉल गैदरिंग, उस खुले आसमान के नीचे जो लोग इकट्ठा हुए थे उनका। और कौन वो लोग? हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, और सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, विश्व के अपने तरफ से सबसे बड़े युवा संगठन नेशनल कैडेट कोर के वो एक्स कैडेट्स थे, भूतपूर्व कैडेट्स थे, जिन्होंने कभी गुरूर से यूनिफॉर्म को पहना था, शेरों की चाल चले थे, जो जिंदगी में कभी तालीम की अग्नि में तपे थे, जिनकी निगाहें गरुड़ की सचोटता से बंदूकों के फोरसाइट्स के ऊपर ठहरी थी, ऐसे वो लोग थे। उन्होंने मिलकर के एक प्रतिज्ञा को शब्द देह दिया जो कि इस फंक्शन के आखिरी में हम सब बड़े गुरूर से कहेंगे। उन्होंने कहा कि हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सच्चे दिल से अपने राष्ट्र की सेवा करेंगे तथा उसे प्रथम कक्षा की सामरिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महासत्ता बनाने का अविरत पुरुषार्थ करेंगे। उस दिन से लेकर के आज तक उन्होंने अविरत पुरुषार्थ किया है। उन्होंने इकट्ठा होकर के जिस संस्था की नींव रखी वह थी और वह है आन, एलमनी एसोसिएशन ऑफ नेशनल कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कोर के भूतपूर्व छात्रों का महासंघ।
हिंदुस्तान के कोने कोने में फैले नेशनल कैडेट कोर ने रेडियो स्टेशन से लेकर के एटॉमिक पावर स्टेशन, सेना भवनों से लेकर के कला भवनों तक हिंदुस्तान को चलाने वाले योद्धाओं की, कर्मठ पुरुषों की और स्त्रियों की नींव रखी थी। उन सबको इकट्ठा करना एक ही प्लेटफॉर्म पर और हिंदुस्तान के पुनः निर्माण के कार्य में उनको पुनः प्रवृत्त करना, दैट वॉज द इंटेंशन। जब जिस शताब्दी के अंदर वह पैदा हुए थे, लोग जो उस खुले आसमान के नीचे मिले थे, उस शताब्दी के अंदर हिंदुस्तान ने जितना मुल्क गंवाया था उतना उसके पहले कभी नहीं गंवाया था। 400 साल पहले उन इकट्ठा हुए लोगों के बाप दादाओं का, पूर्वजों का था अफगानिस्तान। 50 साल पहले उनके बाप दादाओं का था पाकिस्तान। 10 साल पहले धरती पर का स्वर्ग, बही नश्तो कहलाने वाला कश्मीर भी उनका था। अब बगैर फौजी प्रेजेंस के उधर कदम रखना नामुमकिन था। हवा में से बारूद की और इंसानी खून के और मांस के जलने की बू आती थी। खूबसूरत समंदरों का पानी खून से लाल था। इंसानियत कांप उठी थी और डर कर घरों में छिप गई थी, और लगता था कि दुश्मन हमारे घरों के दरवाजे तक आ गया है। और राष्ट्र का रिस्पॉन्स, नेशनलिस्ट, राष्ट्रीयवादी, राष्ट्रीयता प्रेरक होने की जगह धार्मिक और सांप्रदायिक होता जा रहा था। अलग अलग टुकड़ों में हिंदुस्तान की नौजवानी, हिंदुस्तान का पौरुष धन बट रहा था। एक ऐसा कालखंड जिसके अंदर की उसी वक्त तोरा बोरा माउंटेन रेंजेस में से पकड़ी गई आतंकवादियों की 1000 पन्नों की किताब, 1046 पन्नों पर फैली किताब में से किसी आतंकवादी ने हिंदी में लिखे हुए शब्द पकड़े गए थे। मैं आपको सुनाता हूं वो शब्द। उस आतंकवादी ने पूरी की पूरी अरबी किताब के आगे हिंदी में लिखा था कि कल रूस को टूटते देखा था, अब हिंद को तोड़ के रख देंगे। हम बरके जिहाद के शोलों से अमेरिका राख से भर देंगे। ये उनका इंटेंशन था, जो कि अफगानिस्तान से लेकर के सूडान तक के टेररिस्ट कैंपों में पल रहे आतंकवादियों के दिलो दिमाग पर छाया था। वो भी कायर नहीं थे। ये लड़ाई वीरों की लड़ाई, ये एक बात हम समझ लें। ये कायरों के बीच का युद्ध नहीं है, ये सर पर कफन बांधे शत्रु और सर पर कफन बांधे सिपाहियों के बीच का युद्ध है। तो जब हम लोगों ने ये पढ़ा और लगा कि हिंदुस्तान को अंदर से ताकतवर करने के लिए जहां पर गवर्नमेंट्स शिक्षा और संरक्षण जैसे प्राथमिक एरियाज में से पीछे हट रही है, तब वहां पर एनसीसी के भूतपूर्व छात्रों को कुछ करना चाहिए, तो एक तालीमी प्रोग्राम का गठन किया गया जिसके अंदर की हर हिंदुस्तानी को हथियार चलाने की तालीम, फौजी डिसिप्लिन, फौजी रीति रिवाज, हाउ टू रिएक्ट टू अ काउंटर इंसर्जेंसी सिचुएशन वगैरह की तालीम देना शुरू किया। और उस आतंकवादी को जो हिंद का तोड़कर रख देने का सपना देख रहे थे, उनको जवाब देना शुरू किया। और जवाब देना अपने बच्चों को सिखाया कि वो अपनी माता को देखकर प्रतिज्ञा ले कि तेरा आंचल छूने वाला हाथ काट कर रख देंगे, तेरे चरणों में दुश्मन का कटा हुआ सर रख देंगे, जब निकल पड़ेंगे रण में तेरे दूध की कीमत देने वाले, आंधी तूफान के पाले, लाज तेरी के रखवाले। समझता था दुश्मन की ये कायर और कमजोरों का मुल्क है, तो उसको भी जवाब देना इस तालीम ने आरंभ किया कि दुश्मन समझे सिर्फ अहिंसावादी से ये टक्कर है, वो क्या जाने हर उंगली पर एक सुदर्शन चक्कर है, मोड़ मोड़ पर डटे हुए हैं भीम और अर्जुन मत वाले, आंधी तूफान के पाले, लाज तेरी के रखवाले। अगर वो सर पर कफन बांधकर आगे बढ़ सकते थे तो हिंदुस्तानियों को भी सर पर कफन बांधकर सामना करना सिखाना निहायत अनिवार्य था, और इसीलिए उस तालीमी प्रोग्राम की शुरुआत की गई। बच्चा बच्चा जानता है हिंदुस्तान का राष्ट्रगीत जनगण मन, लेकिन उसकी आखिरी लफ्ज जो नॉर्मल राष्ट्रगीत के अंदर नहीं आते हैं, घोर तिमिर घन निबिड निशीथे पीड़ित मूर्छित देशे तव करुणारुण रागे नित्रित भारत जागे, दारुण विप्लव माझे
तव शंख ध्वनि बाजे गाहे तव जय गाथा। दारुण विप्लव के बीच में जिनको माता का शंख ध्वनि सुस्पष्ट रूप से सुनाई देता था, ऐसे आन के उन प्राथमिक सभ्यों से लेकर के आज तक हर कदम पर आन ने सिर्फ एक ही प्रयत्न को अंजाम दिया है, भारत की सोई हुई आत्मा को जगाना। जहां पर संस्कृति ने जन्म लिया, जहां पर मानवी ने पशु में से ऊपर उठकर देव से स्पर्धा करना शुरू किया, उस भारतवर्ष को प्रथम कक्षा की महासत्ता बनाना। और जो पहली बार मिले थे वो काफी कुछ सीख कर मिले थे। सम्राट सिकंदर की आक्रमण यंत्रणा ने उनको सत्य समझाया था कि ईंट और पत्थर से बने दुर्ग दीवार अभेद्य नहीं है। अरबस्तान के रेगिस्तान से जागी इस्लाम की प्रचंड सैन्य शक्ति ने उनको सत्य समझाया था कि उत्तुंग हिमालय और काराकोरम के दुर्ग दीवार भी अभेद्य नहीं है। यूरोप से आई अंग्रेजों की प्रबल सत्ता लालसा ने उनको सत्य समझाया था कि अफाट सागर की विराट तरंग दीवारें भी अभेद्य और अजेय नहीं है। सिर्फ एक ही चीज अभेद्य और अजेय है और वो है एकाग्र प्रजा का अविभक्त आत्मा, और उसी आत्मा की, उसी एकाग्रता की, उसी एकात्मता की आराधना करने के लिए आन ने हर संभव प्रयत्न किया है। मैं आपको बोरिंग स्टेटिस्टिक्स नहीं दूंगा कि आन कितने कैडेट्स को ट्रेन करता है, कहां कहां पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाता है। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि हम लोग हिंदुस्तान का नव निर्माण करने के कार्य में अपने तरीके से लगे हुए हैं। हम कभी भी किसी के पास कुछ भी मांगते नहीं हैं, पर जो भी कोई जब भी हमें किसी भी किस्म की मदद, चाहे मैन्युअल लेबर से लेकर के कोई भी किस्म की मदद करने के लिए तैयार रहेगा, तो आन सहर्ष उनकी हर किस्म की मदद को स्वीकार करेगा और राष्ट्र निर्माण के कार्य में सबको प्रवृत्त रखने की कोशिश करेगा। आभार। आभार।